तो दोस्तों अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो सबसे पहले मैं नॉलेज और स्किल डेवलप करता हूं और उसके बाद मतलब सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और जो पर्सन को मैं मतलब सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जो मेरे क्लाइंट रहते हैं उनको मैं मतलब उतना चार्ज करूंगा जितना मेरा मतलब एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल में, और उसी के साथ मतलब कितना रेयर स्किल मैंने डेवलप किया है उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा, और जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं और जिससे मैं मतलब अर्निंग करता हूं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए करूंगा ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकूं ऐसा बिजनेस करने में जिसमें मैं मतलब पोटेंशियल हो कि 6-7-8 फिगर्स तक रीच होने का, जो मैं लॉन्ग टर्म तक कर सकूं जिसमें मैं डिपेंड हो सकूं, तो उस तरह बिजनेस में स्टार्ट करूंगा। तो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं, वो है मतलब आपको ये जानना है कि बिजनेस में मेनली 3 टाइप्स का रहता है। सबसे पहले तो मतलब एम्प्लॉई जॉब भी कहते हैं, तो वो भी बिजनेस ही दोस्तों। कई सारा लोग आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो कैसे बिजनेस हुआ, तो उसमें आप बस अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा कंपनी में आप काम कर रहे हो 9 to 5, 9 to 6, तो आप टाइम ट्रेड कर रहे हो उस कंपनी, आप टाइम ट्रेड कर रहे हो उस कंपनी के लिए, तो आप इस तो इसीलिए आपको मंथ एंड में सैलरी मिलता है, तो वो भी एक बिजनेस ही हुआ। और उस बिजनेस में मतलब एडवांटेज ये है कि आपको स्टार्टिंग में ही इनकम मिलता है, पहले मंथ से ही आप अर्निंग करते हैं, पर जो आपका मतलब इनकम रहता है वो लीनियर, तो जो आपका इनकम रहता है वो लीनियर वे में जाता है। ऑब्वियसली अगर एवरेज सैलरी पर्सन की बात करें तो मतलब इन्फ्लेशन की वजह से अगर इंक्रीमेंट भी मिलता है तो बहुत ही मतलब मंथ्स लगता है, कई सारे इयर्स लगता है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्शंस भी है, मतलब अगर आप ब्रेन सर्जन है या कोई मतलब नासा में बड़े साइंटिस्ट है तो आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं, पर जो भी हो जॉब में एम्प्लॉई में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का जो चांस रहता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और उसी के साथ अगर सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस जो मैंने पहले कहा मतलब साइड हसल हम कह सकते हैं जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी मतलब अर्निंग लीनियर वे में ही जाता है, पर आपको मतलब कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो अर्निंग आप करते हैं साइड हसल से उसका एक लिमिट रहता है, आप बहुत ही हाई इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मतलब आप मतलब कुछ सर्विस इंडस्ट्री में आप कुछ लोगों को हायर करके आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, पर वो अलग ही बिजनेस हो जाता है। और थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आपका मनी इन्वेस्ट करते हैं, आपको कुछ मंथ्स तक आपको इनकम नहीं होता है, और इस बिजनेस मतलब करने वाले लोग बहुत ही कम है, मतलब फिल्टर आउट हो जाते हैं इस बिजनेस करने वाले लोग, जो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस है जो हम फॉर एग्जाम्पल अमेजोन एफ बी कह सकते हैं, मतलब जिसमें आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट में, और उसी के साथ सैस बिजनेस जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो उस तरह बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको नॉलेज आपका मतलब डेवलप करना है, तो ज्यादा मतलब करने वाले लोग बहुत ही कम रहते हैं इसमें, मतलब गिव अप कर देते हैं कई सारा लोग। पर उसमें जब आप पर इस तरह बिजनेस में जब आप प्रॉफिट करने लगते हैं तो आपका लिमिट बहुत ही हाई रहता है, जो अर्निंग आप कर सकते हैं उसका लिमिट बहुत ही हाई रहता है कुछ बिजनेस के लिए, मतलब आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। तो आपको अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका गेम प्लान यही रहना चाहिए, तो बिजनेस टाइप 1 जो एम्प्लॉई है और जॉब है, और बिजनेस टाइप 2 जो मतलब साइड हसल है, तो उस तरह उसमें से कोई एक बिजनेस स्टार्ट करके आपको इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना है, और थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप मतलब आपका गोल्स आप रीच हो सके। तो मेरा गेम प्लान भी वैसा ही रहेगा, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब ये आइडिया मुझे कैसा मिला है वीडियो बनाने का। एक्चुअली मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, उन्होंने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लिया था ऑब्वियसली, तो उनको उन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम तो लिया था, पर अमेजोन एफ बी ए में क्योंकि हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास इनाफ पैसा नहीं था। तो तब मैंने उनको एक आइडिया दिया कि क्योंकि उन्होंने नॉलेज गेन किया है अमेजोन एफ बी के रिलेटेड, तो वो लोकली उनके सिटी में कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहता है, चाहे वो स्मॉल स्केल हुआ हो या लार्ज स्केल हुआ हो, उनको कॉन्टेक्ट करके
क्योंकि कई सारा मतलब लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले मतलब जो लोग रहते हैं उनको पसंद है मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस का, पर उनको सही मतलब नॉलेज नहीं रहता है और कोई पर्सन उनको करके देने वाले लोग नहीं रहते हैं। और ऑनलाइन में अगर आपको अप्रोच करना है तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ट्रस्ट इश्यूज रहता है, तो ऑफलाइन में हम इजीली मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट जो दीपक था उसको मैंने कहा कि आप मतलब उसके सिटी में ही ढूंढो मतलब क्लाइंट्स को, और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि मतलब मैंने इस चैनल से इस बंदे से मैंने अमेजोन FBA सीखा है, तो मैं आपको आपका जो भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। तो उस तरह उनको दो क्लाइंट्स मिले और कई सारा मंथ्स तक उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया कि उनका जो अमेजोन FBA बिजनेस वो लॉन्च कर सके। तो सिंपल सी बात थे दोस्तों, मतलब अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं कोई एक नॉलेज और स्किल गेन करूंगा, मैं ना सिर्फ अमेजोन FBA मतलब कई सारा स्किल्स है। अभी मैं यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, तो क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं मतलब जब हिंदी बात करता हूँ कई सारा मिस्टेक्स रहता है, सिर्फ जंप कट्स के लिए ही मैं आउटसोर्स करता हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर रखा है मैंने सिर्फ जंप कट्स करने के लिए। और ऑब्वियसली मेरा क्योंकि मतलब बिजनेस रिलेटेड चैनल है तो ज़्यादा एडिटिंग का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं हायर करता हूँ, थंबनेल एडिटिंग हुआ हो, वीडियो एडिटिंग हुआ हो, उस तरह कई सारे यूट्यूबर्स है जो आउटसोर्स करते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है वीडियो एडिटिंग और थंबनेल एडिटिंग का, तो उनको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ मंथ्स के लिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकें। तो कई सारा है मतलब गूगल एड्स आप सीख सकते हैं, और आजकल तो आपको कई सारा कोर्सेस मिल जाएगा। तो डिफरेंस वही है मतलब पेड कोर्सेस और फ्री मतलब जो यूट्यूब वीडियोस रहता है, मतलब जो फ्री है मतलब वो नॉलेज ऑलमोस्ट सभी के पास रहता है, तो उसमें जो आप नॉलेज और स्किल डेवलप करते हैं उसमें एक्सक्लूसिवनेस नहीं रहता है, तो आप परफेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेस अगर आप लेते हैं तो परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, और उसी तरह अपने क्लाइंट को आप चार्ज कर सकते हैं जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आजकल तो मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होता है मतलब कोर्सेस के रिलेटेड, तो मैं भी एज ए ऑनलाइन एंटरप्रेनर कई सारा कोर्सेस में लेता रहता हूँ, तो मैं उसके लिए एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी आप कोर्स कोई लेते हैं या कोई प्रोग्राम लेते हैं, सबसे पहले जिनसे आप ले रहे हैं उनको सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है, क्या वो खुद वो चीज कर रहे हैं कि नहीं, कितना नॉलेज है, तो उनका कुछ वीडियोस से आप जान सकते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई भी कोर्स मतलब परचेज नहीं करना है, तो आपको मतलब कुछ फ्री में उनसे सीखना चाहिए। अगर उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको पसंद आया है तभी आपको उनका पेड कोर्स लेना चाहिए, तो तभी आपको यूजफुल रहेगा वो चीज़। तो मैं यूजुअली ऐसा ही सीखता हूँ, और आपको ऑलमोस्ट सभी तरीके का नॉलेज ऑनलाइन में मिल जाता है। और दोस्तों ये वीडियो मैं एक्चुअली उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ मतलब जो हर बार एक्सक्यूजेस देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम मिडिल क्लास से आए हैं, पुअर बैकग्राउंड से आए हैं, तो हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तो एक्चुअली मतलब एक सच्चा एंटरप्रेनर कोई एक्सक्यूज ही नहीं देते हैं दोस्तों। मतलब किसी भी हालत में हुआ हो वो मतलब जो उनके आसपास का रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल करके वो मतलब उनको जो चाहिए, उनका जो गोल्स है वो अचीव करते ही है। और इसको हमने कई बार नोटिस किया है, हमने बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स का स्टोरी हमने पढ़ा है, तो कई बार वो बैंकरप्ट होते हैं फिर से वो मतलब मल्टी मिलियनर्स बन जाते हैं। तो कई सारा लोग मतलब सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं अपने आप को स्टार्ट ना करने के लिए, एक्शन नहीं लेने के लिए, और कुछ लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, मतलब सुबह से शाम तक यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हर एक बिजनेस के बारे में उनको पता रहता है, अमेजोन FBA, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सब कुछ पता रहता है, पर कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। पर कुछ लोग रहते हैं मतलब वो मतलब जल्दी एक्शन लेते हैं, वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते करते सीखते हैं। एक्चुअली कंपैरिजन में देखें तो वो लोग उनको जल्दी रिजल्ट मिल चुका होता है, और जिस पर्सन को सब कुछ पता है तो वो मतलब सिर्फ ओवरथिंक करता रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सक्सेसफुली स्टार्ट करूंगा, तो आपको ऐसा सोचना है कि मैं स्टार्ट करूंगा और किसी भी हालत में उसको सक्सेसफुल बनाऊंगा, तो उस तरह आपका माइंडसेट रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इस तरह जुड़े रहिए मैं आपके साथ, मतलब जो भी मेरा नॉलेज है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो भी मैं करता हूँ मैं मतलब मेरे चैनल के जरिए मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरा सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।